दोस्तों कल सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है हमारी एक मीटिंग के अंदर दो बातें जो मुझे एक अच्छी लगी। पार्टी ये कोई सियासी पार्टी नहीं है क्या आप समझे कि। सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त दानिश महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक फ्लेक। दोस्तों कल सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें सर रिहान अल्लाह वाला जिसको गुरु ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है और इसके साथ साथ जामिया बिनुरिया टाउन कराची जो कि एक मशहूर दीनी दरगाह है उसके मोहतम हजरत मौलाना नुमान साहब तशरीफ़ लाए थे। उनसे हमारी काफ़ी लंबी मीटिंग रही और इस मीटिंग की दो बातें जो मुझे ख़ास लगी आज के इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। उससे कबल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों इस मीटिंग के अंदर दो बातें जो मुझे एक अच्छी लगी। सबसे पहली बात कि मैं इस मीटिंग में गया कैसे और गया क्यों। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने ये मीटिंग कैसे ज्वाइन की और इसका वजह क्या बनी। उसमें आपको मैं इसकी वजह बता दूं इस मीटिंग में ज्वाइन करने की। नवंबर 2020 की बात है कि मैंने सर रिहान अल्लाह वाले को फेसबुक पर फॉलो किया और वहाँ पर जाकर उनकी पोस्टर में डेली देखता रहता था। सर रिहान अल्लाह वाला ये गुरु ऑफ टेक्नोलॉजी इनको कहा जाता है और इस वक्त इंसान पार्टी के ये फाउंडर हैं। और इंसान पार्टी ये कोई सियासी पार्टी नहीं है क्या आप समझे कि सियासी पार्टी है, बल्कि ये पार्टी पाकिस्तान के अंदर डिजिटल यानी इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं और ये जो हमारे हाथों में मोबाइल है स्मार्ट मोबाइल इससे हम पैसे कैसे कमाएं और इसको हम कैसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, फेसबुक यूट्यूब जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म है इनको हम कैसे यूज़ करें, ये चीज़ें इंसान पार्टी में सिखाई जाती है। इनके बाकायदा शेडो मिनिस्टर्स होते हैं और बाकायदा इनके जो है ना ट्रेनर होते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। सर रिहान अल्लाह वाले को जब मैंने फॉलो किया स्टार्टअप में तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था कि ये काम कैसे होगा। सर रिहान अल्लाह वाला हमेशा ये कहते थे कि आप इंटरव्यूज लें और मुख्तलिफ लोगों से मिले और फेसबुक पर आप लोगों को जो है ना रिक्वेस्ट भेजें और वहाँ उनसे इनबॉक्स में बातें करें। ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी मुश्किल लगती थी लेकिन जैसे जैसे मैंने करना शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये बहुत आसान लगी और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने ऑनलाइन 20 इंटरव्यूज किए जिसमें जर्मन गेस्ट कैनेडा इंडिया सऊदी अरब दुबई यहाँ के स्पेशल गेस्ट जो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं उनसे मैंने इंटरव्यूज़ किए और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरव्यूज़ किए। तो सर रिहान अल्लाह वाले ने ये जो काम किया इसकी वजह से मैं सर रिहान अल्लाह वाले से बहुत मुतासर हुआ और उसके बाद ही मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जिस पर अभी इस वक्त करंट सब्सक्राइबर 1K पूरे होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग की सपोर्ट से अल्लाह वाले ने मेरा एक माइंड सेट बनाया तो उसी माइंड सेट पर जो है मैं आगे चला और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अब ये मोबाइल मेरे हाथ में है लेकिन इससे मैं बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ और इस पर काम भी कर रहा हूँ। अच्छा सर रिहान अल्लाह वाले की दूसरी जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये है कि मैंने इनके साथ तकरीबन 6 घंटे इनके साथ मेरी मीटिंग रही तो इन पूरी 6 घंटों के दौरान मैंने कोई ऐसा लम्हा नहीं देखा कि कोई ऐसा लम्हा आया हो कि सर रिहान अल्लाह वाले के जो है होंठों पर कोई मुस्कुराहट ना हो। हर वक्त मुस्कुराहट उनके होंठों पर होती थी और जो लोग उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे थे या कोई पिक्चर्स वीडियो बना रहे थे तो उनको पहले वो ये कहते थे कि आप हमसे मुस्कराने के बाद आपको तस्वीर दूंगा। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इसी वजह से आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दो चीज़ें जो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, पहली चीज़ कि आप लोग डिजिटल की तरफ आएंगे, दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज बन चुका है। आप अगर पुराने दौर में तो आप अब नए दौर में आएँ और इस मोबाइल से जो आपके हाथ में इससे आप कमाना शुरू करें, सीखना शुरू करें, बहुत कुछ यूट्यूब पर आप जाएं सर्च करें हर चीज़ आपको मिल जाए, जो भी आपका शौक है वो उससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पर सब कुछ मिल सकता है। और इसके साथ साथ अपने मोबाइल को सही से इस्तेमाल करें, अपने फेसबुक अकाउंट को ज़बरदस्त बनाएं, अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना नाम अपनी एक तस्वीर अच्छी सी और इसके अलावा आपका अगर कोई बिजनेस है जो जो चीज़ें वो सारी उसके प्रोफाइल में ऐड करें और लोगों के साथ ताल्लुक बनाएं, अपने बिजनेस को प्रमोट करें, अपने जो है ना जो भी आपके पास है उसको आगे लोगों तक कन्वर्ट करें। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है कि हर वक्त अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर लाएं, हर एक से मिले सलाम करें और हंस मुक कर उनके साथ मिलें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान दानिश महमूद।